उसने कहा कि धर्मशास्त्र मेरी यदि इसका मतलब पता है। हमने कहा अहिंसा व्हाट इज द टाइम, उसके और थोड़े का टाइम क्या है। हमने कहा महाभारत के मैदान में जब विष्णु जी के हाथ में तलवार गिर गई थी तो श्री कृष्ण जी ने टाइम को रोकने को कहा था, अय अर्जुन अपने हाथ से तलवार को उठाओ और इन जालिमों को मत छोड़ना। आप जानते हो श्री कृष्ण जी कौन है, ये विष्णु जी के सातवां अवतार है। सातवां श्री रामचंद्र जी है, आठवां श्री कृष्ण जी है। अवतार का मतलब होता है आसमान से जमीन पर आना बुराइयों को खत्म करने के लिए। जैसे कि हिंदू भाइयों का यकीदा है यदा यदा ही धर्म से ग्रहण भवति भारत, यानी जब जमीन पर कोई बुराई होती है तो ईश्वर इंसानी रूप धारण करके आता है और बुराइयों को नष्ट कर देता है। हमने कहा सर पंडित जी श्री कृष्ण जी कह रहे अर्जुन को कि तुम अपने जबान से किसी इंसान को बूढ़े को मासूम को लाचार को बेवकूफ तक नहीं सुमत दे रहा। यहाँ पर मुसलमानों को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है। भोपाल की सरजमीन को दोनों जानों को टाइम से फेंक दिया गया। बिहार की सरजमीन पर मुजफ्फरनगर के अंदर वहाँ अजीमपुरा के अंदर नौजवान बच्चों को पैर हाथ काटे गए। मुल्क के शाम के अंदर 3000 मुसलमान बच्चों को जिसको टूरे टूरे करके ट्रक के अंदर डाल कर सप्लाई कर दी गई। श्री कृष्ण जी के इस उपदेश के खिलाफ हुआ या नहीं सर, वो कहता है युवा लोग करते हैं जो ज्यादा हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। हमने कहा सर हिंदुस्तान से मुसलमानों की मोहब्बत की है, अगर मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत ना करता तो आगरा का ताजमहल आपको ना देता। अगर मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत